लाइव कोलकाता, आपकी सोच। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। अमित शाह को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सुनते ही राजनीतिक गलियारे से ट्वीट कर उन्हें जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के बारे में सुना। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मेरी प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार के साथ है। अमित शाह ने एक दिन पहले ही ICCR के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विनय सहस्रबुद्धे मौजूद थे। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें गए थे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में अब बुधवार 5 अगस्त, शनिवार 8 अगस्त, गुरुवार 20 अगस्त, शुक्रवार 21 अगस्त, गुरुवार 27 अगस्त, शुक्रवार 28 अगस्त और फिर सोमवार 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन ये दिन हर हफ्ते एक जैसे नहीं होंगे। इसकी तारीखें राज्य सरकार तय कर रही है। हालांकि इन तारीखों को बार बार बदला जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अगस्त महीने में राज्य में 9 अलग अलग दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब 7 दिन का लॉकडाउन इस महीने में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 75,000 को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 1670 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस से अब तक कई लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। ताज़ा मामला जो सामने आ रहा है, आज बंगाल में टोटल कोरोना के केस 2,716 और 53 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 52,972 नए केस सामने आए हैं। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। दक्षिण 24 परगना के 73 बड़ा बाजार में से एक बारुईपुर कचहरी बाजार में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सबसे पहले बाजार के कपड़ा पट्टी से धुआं निकलते हुए देखा। और एक पल में ही आग की लपटें पूरे बाजार में फैल गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल के देर से पहुंचने पर आग तेजी से फैलती चली गई। लगभग 1 घंटे बाद 2 दमकल वाहनें बारुईपुर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में लग गई। आग के भयावहता को देखते हुए 6 और दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। अग्निशमन के कार्यकर्ता घंटों मशक्कत करते रहे आग पर काबू पाने के लिए। बारुईपुर बाजार क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला है। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की खबर सुनकर स्थानीय पार्षद गौतम दास भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, ये आग सोमवार की रात लगभग करीब 2 बजे लगी। इस आगजनी में दुकान जलकर राख हो गए। दमकल विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर
8 दमकल इंजनें पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। এত বড় মার্কেট, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কি ছিল? অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বলতে रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे आचार, आम के आचार, आमले का आचार, मिर्ची के आचार और भी तरह तरह के आचार। बालाजी आचार मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त को लॉकडाउन के लिए चुना है, क्योंकि उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना निर्धारित है। पार्टी ने मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस मंत्रिमंडल लॉकडाउन की स्थिति को बदल दे, जैसा उसने ईद त्योहार के लिए किया था। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि यह निर्णय लॉकडाउन के लिए 5 अगस्त का चयन सत्ताधारी पार्टी की पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करने की रणनीति दिखाता है। उन्होंने तिथि में बदलाव की मांग की है। जिस तरीके से 1 अगस्त को देश ने ईद मनाया, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोग देशवासियों के साथ राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न भी मना सके। अयोध्या जो राम मंदिर पुनर्निर्माण काज शुरू हो 5 तारीख थे, सेटा सारा देशे धूमधाम कर पालन करा हबे। 450 বছর যে লড়াই তার সাফল্যের ইতিহাস রচনা হবে, সে যেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, এটা এক ধরনের অমানবিক, মানবতার বিরুদ্ধে লড়াই টিএমসি সরকারের। সে যেন এখনও ভেবে চিন্তা ঠিক করা উচিত, 5 তারিখ লকডাউন তোলা উচিত, যে কোনো দিন করুন আপনারা। 4 চেঞ্জ করেছেন, 5 চেঞ্জ করতে আপত্তি কি আছে? যদি না ওটেল DSRB মেডিকেল সলিউশনস এক ISO সার্টিফাইড কোম্পানি जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स, जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल, और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। मंगलवार की सुबह डीवीसी मैथन और पंचायत डैम द्वारा 6 दरवाजे खोले गए और 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सूत्रों के अनुसार लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, इसलिए डीवीसी अधिकारी ने ये जानकारी दी है और लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, डंप में काफी सारा पानी है, अगर कुछ दिनों तक बारिश होती है तो लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएगी, इसलिए एहतियात के तौर पर 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार से दक्षिण बंगाल के जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। बारिश का यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रह सकता है। निम्न दबाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोलकाता समेत कुछ अन्य जिलों में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में जाने से निषेध किया गया है। जो मछुआरे चले गए हैं, उन्हें आज मंगलवार सुबह तक लौटने को कहा गया है। पुरुलिया, बांकुड़ा तथा पश्चिम मिदनापुर जिले में 5 अगस्त को 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। Hello।
रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे आचार, आम के आचार, आमले का आचार, मिर्ची के आचार और भी तरह तरह के आचार। बालाजी आचार, मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार केवल भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्यौहार बंगाल की संस्कृति में भी बसा है। यही कारण है कि हम सभी बंधनों को भूलकर एक दूसरे को राखी बांधकर उसे हृदय से अपनाते हैं। ये बातें जोड़ासाकू की विधायिका व बोरो चार की चेयरपर्सन स्मिता बख्शीनी जोड़ासाकू ठाकुरबाड़ी के पास आयोजित राखी उत्सव कार्यक्रम के दौरान कही। তো এই করোনা ভাইরাসের প্রতিবাড়ির প্রকোপে এখন আমরা আজকে এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মাস্ক বিলির আয়োজন আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণে আমরা করতে চলেছি। এই 25 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠান। আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে যে মধুর ভাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি করি এবং সকলে এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা মতো প্রশাসন যেভাবে আমাদের বলছে যে দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য বাইরে কুতু খেলা বাড়ুন এবং যখন আপনাদের মনে হবে যে কদিন জ্বর হচ্ছে, কোন রকম শরীরের কষ্ট হচ্ছে, তখন নিজ নিজ এলাকার কলকাতা কর্পোরেশনের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। তাহলেই আমরা নিজেদেরকে এই অতিমারির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো। সকলে ভালো থাকুন। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय व क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राखी के स्थान पर वहां उपस्थित लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित थे पूर्व विधायक संजय बख्शी ने भी सभी को रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए कहा है कि यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाएं। यह प्रयास तभी सफल होंगे जब हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इस मौके पर तृणमूल युवा व हॉकर संगठन के नेता तथा लाइव कोलकाता के सीईओ सचिन त्रिपाठी भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें एक दूसरे के साथ पिरो कर रखता है। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हर समय एहसास दिलाता है कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इस मौके पर नेता सचिन त्रिपाठी ने भी लोगों में मास्क वितरण किए। अवसर पर सुशांत दत्ता, अजय सिंह समेत अन्य लोग व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब सिखाएं अपने बच्चों को प्रोफेशनल फोटोशॉप। जी हाँ, हम लेके आए हैं एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स जहाँ घर बैठे आपके बच्चे सीख सकते हैं फोटोशॉप पे काम करना, जिसके जरिए वो बना सकते हैं स्कूल के प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्टिव इमेजेस और बहुत कुछ। ये कोर्स न्यूज चैनल्स में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट एडिटर्स द्वारा सिखाया जाएगा। यही नहीं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ सिखाया जाता है। तो सोचिए मत, इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं।
राज्य सरकार के साथ लगातार बैठकें करने के बाद कोई हल न निकलता देख बस मालिक संगठनों ने आज राज्यपाल से संपर्क किया। लॉकडाउन के बाद बस मालिक संगठन ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें बस का किराया बढ़ाने, डीजल की कीमत में कमी, बैंक की किश्तों में माफी सहित कई मांगें शामिल थी। राज्यपाल ने केंद्र सरकार से बस सेवा को चालू रखने में बस मालिकों को होने वाली कठिनाइयों का विवरण देने की अपील भी की थी। बस संगठन तालाबंदी के बाद से राज्य सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, हालांकि कोई हल निकलता न देख अब बस मालिक संगठनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। আমরা রাজ্যপালের মাধ্যমে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় আমরা জানাতে চেয়েছি, আমরা সেই জন্যই রাজ্যপালকে আজকে রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। আমাদের মূলত ডিম্যান্ড যে কোভিড-19 পিরিয়ডের জন্যে ব্যাংকের ইএমআই মকুব করতে হবে এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম মকুব করতে হবে, ডিজেলের ওপরে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কমাতে হবে এবং ডিজেলের ওপরে জিএসটি পাঠাতে হবে এবং সার্টিফিকেট অফ ফিটনেসের সময় বৃদ্ধি করতে হবে এবং যে রাজ্যে যে টোল ট্যাক্স আছে সেই টোল ট্যাক্সগুলো অবিলম্বে সেগুলোকে বন্ধ করতে হবে। এই ডিমান্ড সার্বিক এই ডিমান্ডগুলো আজকে আমরা রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমা দিচ্ছি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে বিষয়গুলো পৌঁছায়। আশা করব রাজ্যপাল, মাননীয় রাজ্যপাল সার্বিক বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবে। আর কী বললেন আপনাদের? না, আমাদের দেখা হয়নি, আমাদের সঙ্গে তো দেখা তো হয়নি, আমরা চিঠিটা জমা দিয়েছি। আমরা ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच लाइव कोलकाता, आपकी सोच लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। अमित शाह को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सुनते ही राजनीतिक गलियारे से ट्वीट कर उन्हें जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के बारे में सुना, अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ, मेरी प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार के साथ है। अमित शाह ने एक दिन पहले ही ICCR के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विनय सहस्रबुद्धे मौजूद थे। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें गए थे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में अब बुधवार 5 अगस्त, शनिवार 8 अगस्त, गुरुवार 20 अगस्त, शुक्रवार 21 अगस्त, गुरुवार 27 अगस्त, शुक्रवार 28 अगस्त और फिर सोमवार 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन ये दिन हर हफ्ते एक जैसे नहीं होंगे, इसकी तारीखें राज्य सरकार तय कर रही है। हालांकि इन तारीखों को बार बार बदला जा रहा है।
इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अगस्त महीने में राज्य में 9 अलग अलग दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब 7 दिन का लॉकडाउन इस महीने में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 75,000 को पार कर गए हैं, वहीं अब तक 1670 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस से अब तक कई लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। ताज़ा मामला जो सामने आ रहा है, आज बंगाल में टोटल कोरोना के केस 2,716 और 53 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 52,972 नए केस सामने आए हैं। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। दक्षिण 24 परगना के 73 बड़ा बाजार में से एक बारुईपुर कचहरी बाजार में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सबसे पहले बाजार के कपड़ा पट्टी से धुआं निकलते हुए देखा। और एक पल में ही आग की लपटें पूरे बाजार में फैल गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल के देर से पहुंचने पर आग तेजी से फैलती चली गई। लगभग एक घंटे बाद 2 दमकल वाहनें बारुईपुर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में लग गई। आग के भयावहता को देखते हुए 6 और दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। अग्निशमन के कार्यकर्ता घंटों मशक्कत करते रहे आग पर काबू पाने के लिए। बारुईपुर बाजार क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला है। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की खबर सुनकर स्थानीय पार्षद गौतम दास भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, ये आग सोमवार की रात लगभग करीब 2 बजे लगी। इस आगजनी में दुकान जलकर राख हो गए। दमकल विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर 8 दमकल इंजनें पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। দুটোর সময় আগুন লেগেছে, কারণ কীভাবে আগুন লেগেছে এটা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত শর্ট সার্কিট হতে সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। এখন ফায়ার ব্রিগেডের 4-5 ইঞ্জিন এসছে, আমাদের পুরসভা থেকেও জলের গাড়ি এসছে, এগুলো দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আসেনি। সম্পূর্ণ কাপড় পট্টি এবং আশপাশের সমস্ত দোকান বাজারগুলো পুরো ছাই হয়ে গেছে। এত বড় মার্কেট, সেখানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা কি ছিল? रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे अचार। आम के अचार, आमड़े का अचार, मिर्ची के अचार और भी तरह तरह के अचार। बालाजी अचार मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त को लॉकडाउन के लिए चुना है, क्योंकि उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना निर्धारित है। पार्टी ने मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस मंत्रिमंडल लॉकडाउन की स्थिति को बदल दे, जैसा उसने ईद त्योहार के लिए किया था। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि यह निर्णय लॉकडाउन के लिए 5 अगस्त का चयन सत्ताधारी पार्टी की पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करने की रणनीति दिखाता है।
उन्होंने तिथि में बदलाव की मांग की है। जिस तरीके से 1 अगस्त को देश ने ईद मनाया, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोग देशवासियों के साथ राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न भी मना सके। अयोध्या जो राम मंदिर पुनर्निर्माण काज शुरू हो 5 तारीख থেকে সেটা সারা দেশে ধুমধাম করে পালন করা হবে। 450 বছরের যে লড়াই তার সাফল্যের ইতিহাস রচনা হবে। সে যেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, এটা এক ধরনের অমানবিক, মানবতার বিরুদ্ধে লড়াই টিএমসি সরকারের। সে যেন এখনও ভেবে চিন্তা ঠিক করা উচিত, 5 তারিখ লকডাউন তোলা উচিত, যে কোনো দিন করুন আপনারা। 4 বার চেঞ্জ করেছেন, 5 বার চেঞ্জ করতে আপত্তি কি আছে? যদি না ওটেল DSRB মেডিকেল সলিউশনস एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, OT टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल OT टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। मंगलवार की सुबह DVC मैथन और पंचायत डैम द्वारा 6 दरवाजे खोले गए और 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सूत्रों के अनुसार लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, इसलिए DVC अधिकारी ने ये जानकारी दी है और लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, डंप में काफी सारा पानी है, अगर कुछ दिनों तक बारिश होती है तो लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएगी, इसलिए एहतियात के तौर पर 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार से दक्षिण बंगाल के जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। बारिश का यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रह सकता है। निम्न दबाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोलकाता समेत कुछ अन्य जिलों में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में जाने से निषेध किया गया है। जो मछुआरे चले गए हैं उन्हें आज मंगलवार सुबह तक लौटने को कहा गया है। पुरुलिया, बांकुड़ा तथा पश्चिम मिदनापुर जिले में 5 अगस्त को 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे आचार। आम के आचार, आमले का आचार, मिर्ची के आचार और भी तरह तरह के आचार। बालाजी आचार मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार केवल भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्यौहार बंगाल की संस्कृति में भी बसा है। यही कारण है कि हम सभी बंधनों को भूलकर एक दूसरे को राखी बांधकर उसी हृदय से अपनाते हैं। ये बातें जोड़ासाकू की विधायिका व बोरो 4 की चेयरपर्सन स्मिता बख्शीनी जोड़ासाकू ठाकुरबाड़ी के पास आयोजित राखी उत्सव कार्यक्रम के दौरान कही। তো এই করোনা ভাইরাসের অতিমারির প্রকোপে এখন আমরা আজকে এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মাস্ক বিলির আয়োজন আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণে আমরা করতে চলেছি। এই 25 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠান। আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে যে মধুর ভাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি করি এবং সকলে এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা মতো প্রশাসন যেভাবে আমাদের বলছে যে দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য বাইরে ফুটু খেলা বারণ
এবং যখন আপনাদের মনে হবে যে কদিন জ্বর হচ্ছে, কোন রকম শরীরের কষ্ট হচ্ছে, তখন নিজ নিজ এলাকার কলকাতা কর্পোরেশনের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। তাহলেই আমরা নিজেদেরকে এই অতিমারির হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। সকলে ভালো থাকুন। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय व क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राखी के स्थान पर वहां उपस्थित लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित थे पूर्व विधायक संजय बख्शी ने भी सभी को रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए कहा है कि यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाएं। यह प्रयास तभी सफल होंगे जब हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इस मौके पर तृणमूल युवा व हॉकर संगठन के नेता तथा लाइव कोलकाता के सीईओ सचिन त्रिपाठी भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें एक दूसरे के साथ पिरो कर रखता है। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हर समय एहसास दिलाता है कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इस मौके पर नेता सचिन त्रिपाठी ने भी लोगों में मास्क वितरण किए। अवसर पर सुशांत दत्ता, अजय सिंह समेत अन्य लोग व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब सिखाएं अपने बच्चों को प्रोफेशनल फोटो शॉट। जी हाँ, हम लेके आए हैं एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स, जहाँ घर बैठे आपके बच्चे सीख सकते हैं फोटोशॉप पे काम करना, जिसके जरिए वो बना सकते हैं स्कूल के प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्टिव इमेजेस और बहुत कुछ। ये कोर्स न्यूज चैनल्स में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट एडिटर्स द्वारा सिखाया जाएगा। यही नहीं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ सिखाया जाता है। तो सोचिए मत, इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। राज्य सरकार के साथ लगातार बैठकें करने के बाद कोई हल न निकलता देख बस मालिक संगठनों ने आज राज्यपाल से संपर्क किया। लॉकडाउन के बाद बस मालिक संगठन ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें बस का किराया बढ़ाने, डीजल की कीमत में कमी, बैंक की किश्तों में माफी सहित कई मांगें शामिल थीं। राज्यपाल ने केंद्र सरकार से बस सेवा को चालू रखने में बस मालिकों को होने वाली कठिनाइयों का विवरण देने की अपील भी की थी। बस संगठन तालाबंदी के बाद से राज्य सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, हालांकि कोई हल निकलता न देख अब बस मालिक संगठनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। আমরা রাজ্যপালের মাধ্যমে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় আমরা জানাতে চেয়েছি, আমরা সেই জন্যই রাজ্যপালকে আজকে রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। আমাদের মূলত ডিম্যান্ড যে কোভিড-19 পিরিয়ডের জন্যে ব্যাংকের ইএমআই মকুব করতে হবে এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম মকুব করতে হবে, ডিজেলের ওপরে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কমাতে হবে এবং ডিজেলের ওপরে জিএসটি পাঠাতে হবে এবং সার্টিফিকেট অফ ফিটনেসের সময় বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাজ্যে যে টোল ট্যাক্স আছে সেই টোল ট্যাক্সগুলো অবিলম্বে সেগুলোকে বন্ধ করতে হবে। এই ডিমান্ড, সার্বিক এই ডিমান্ডগুলো আজকে আমরা রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমা দিচ্ছি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে বিষয়গুলো পৌঁছায়। আশা করব রাজ্যপাল, মাননীয় রাজ্যপাল সার্বিক বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবে। আর কী বললেন আপনাদের? না, আমাদের দেখা হয়নি, আমাদের সঙ্গে তো দেখা তো হয়নি, আমরা চিঠিটা জমা দিয়ে এসেছি। আমরা ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स, जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल,
और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच लाइव कोलकाता, आपकी सोच लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने ट्वीट किया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। अमित शाह को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सुनते ही राजनीतिक गलियारे से ट्वीट कर उन्हें जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के बारे में सुना, अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं, मेरी प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार के साथ है। अमित शाह ने एक दिन पहले ही ICCR के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विनय सहस्रबुद्धे मौजूद थे। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें गए थे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में अब बुधवार 5 अगस्त, शनिवार 8 अगस्त, गुरुवार 20 अगस्त, शुक्रवार 21 अगस्त, गुरुवार 27 अगस्त, शुक्रवार 28 अगस्त और फिर सोमवार 31 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन ये दिन हर हफ्ते एक जैसे नहीं होंगे, इसकी तारीखें राज्य सरकार तय कर रही है। हालांकि इन तारीखों को बार बार बदला जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अगस्त महीने में राज्य में 9 अलग अलग दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब 7 दिन का लॉकडाउन इस महीने में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 75,000 को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 1670 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस से अब तक कई लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। ताज़ा मामला जो सामने आ रहा है, आज बंगाल में टोटल कोरोना के केस 2,716 और 53 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 52,972 नए केस सामने आए हैं। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। दक्षिण 24 परगना के 73 बड़ा बाजार में से एक बारुईपुर कचहरी बाजार में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सबसे पहले बाजार के कपड़ा पट्टी से धुआं निकलते हुए देखा। और एक पल में ही आग की लपटें पूरे बाजार में फैल गई। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल के देर से पहुंचने पर आग तेजी से फैलती चली गई। लगभग 1 घंटे बाद 2 दमकल वाहनें बारुईपुर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में लग गई। आग के भयावहता को देखते हुए 6 और दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। अग्निशमन के कार्यकर्ता घंटों मशक्कत करते रहे आग पर काबू पाने के लिए।
बारुईपुर बाजार क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला है। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की खबर सुनकर स्थानीय पार्षद गौतम दास भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, ये आग सोमवार की रात लगभग करीब 2 बजे लगी। इस आगजनी में दुकान जलकर राख हो गए। दमकल विभाग का प्राथमिक अनुमान है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर 8 दमकल इंजनें पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे आचार। आम के आचार, आमले का आचार, मिर्ची के आचार और भी तरह तरह के आचार। बालाजी आचार मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त को लॉकडाउन के लिए चुना है, क्योंकि उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना निर्धारित है। पार्टी ने मांग की है कि तृणमूल कांग्रेस मंत्रिमंडल लॉकडाउन की इस तिथि को बदल दे, जैसा उसने ईद त्योहार के लिए किया था। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि यह निर्णय लॉकडाउन के लिए 5 अगस्त का चयन सत्ताधारी पार्टी की पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करने की रणनीति दिखाता है। उन्होंने तिथि में बदलाव की मांग की है। जिस तरीके से 1 अगस्त को देश ने ईद मनाया, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोग देशवासियों के साथ राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न भी मना सके। अयोध्या जे राम मंदिर पुनर्निर्माण काज शुरू होच्छे 5 तारीख थेके, सेटा सारा देशे धूमधाम करे पालन करावे। 450 बछर जे लड़ाई, तार साफल्य इतिहास रचना होबे। से जेनो पश्चिम बांगलार मानुष एते अंशग्रहण करते पारबे ना, एटा एक धरनेर अमानविक, मानवतार बिरुद्धे लड़ाई टीएमसी सरकारे। से जेनो एखोनो भेबे चिंते ठीक करा उचित, 5 तारीख लकडाउन तोला उचित। যে কোনো দিন করুন আপনারা, 4 বার চেঞ্জ করেছেন, 5 বার চেঞ্জ করতে আপত্তি কি আছে? যদি না ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হ্যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস, বেড সলিউশনস, এক্সামিনেশন সলিউশনস, ওটি টেবিল, আইসিইউ সলিউশনস, এলইডি অপারেশন থিয়েটার লাইট, সিএসএসটি ফার্নিচার, হাইড্রোলিক সার্জিক্যাল ওটি টেবিল। और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। मंगलवार की सुबह डीवीसी मैथन और पंचायत डैम द्वारा 6 दरवाजे खोले गए और 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सूत्रों के अनुसार लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है, इसलिए डीवीसी अधिकारी ने ये जानकारी दी है और लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, डंप में काफी सारा पानी है, अगर कुछ दिनों तक बारिश होती है तो लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएगी, इसलिए एहतियात के तौर पर 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार से दक्षिण बंगाल के जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। बारिश का यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रह सकता है।
निम्न दबाव के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोलकाता समेत कुछ अन्य जिलों में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में जाने से निषेध किया गया है। जो मछुआरे चले गए हैं उन्हें आज मंगलवार सुबह तक लौटने को कहा गया है। पुरुलिया, बांकुड़ा तथा पश्चिम मिदनापुर जिले में 5 अगस्त को एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। रोजाना अपने खाने में बढ़ाना चाहते हैं और जायका, तो मंगवाए शुद्ध घर के बने तीखे चटपटे आचार। आम के आचार, आमले का आचार, मिर्ची के आचार और भी तरह तरह के आचार। बालाजी आचार मंगवाने के लिए तुरंत कॉल करें 8240828768 पर। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार केवल भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्यौहार बंगाल की संस्कृति में भी बसा है। यही कारण है कि हम सभी बंधनों को भूलकर एक दूसरे को राखी बांधकर उसी हृदय से अपनाते हैं। ये बातें जोड़ासाकू की विधायिका व बोरो चार की चेयरपर्सन स्मिता बख्शिनी जोड़ासाकू ठाकुरबाड़ी के पास आयोजित राखी उत्सव कार्यक्रम के दौरान कही। এই করোনা ভাইরাসের প্রতিবাড়ির প্রকোপে এখন আমরা আজকে এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মাক্স বিলির আয়োজন আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণে আমরা করতে চলেছি। এই 25 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠান। আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে যে মধুর ভাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি করি এবং সকলে এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা মতো প্রশাসন যেভাবে আমাদের বলছে যে দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য বাইরে ফুটু খেলা বারণ, এবং যখন আপনাদের মনে হবে যে কদিন জ্বর হচ্ছে, কোন রকম শরীরের কষ্ট হচ্ছে, তখন নিজ নিজ এলাকার কলকাতা কর্পোরেশনের যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। তাহলেই আমরা নিজেদেরকে এই অতিমারির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো। সকলে ভালো থাকুন। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल सरकार के युवा कल्याण मंत्रालय व क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राखी के स्थान पर वहां उपस्थित लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित थे पूर्व विधायक संजय बख्शी ने भी सभी को रक्षाबंधन पर बधाई देते हुए कहा है कि यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाएं। यह प्रयास तभी सफल होंगे जब हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इस मौके पर तृणमूल युवा व हॉकर संगठन के नेता तथा लाइव कोलकाता के सीईओ सचिन त्रिपाठी भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार हमें एक दूसरे के साथ पिरो कर रखता है। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हर समय एहसास दिलाता है कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इस मौके पर नेता सचिन त्रिपाठी ने भी लोगों में मास्क वितरण किए।
अवसर पर सुशांत दत्ता, अजय सिंह समेत अन्य लोग व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब सिखाएं अपने बच्चों को प्रोफेशनल फोटोशॉप। जी हाँ, हम लेके आए हैं एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स, जहाँ घर बैठे आपके बच्चे सीख सकते हैं फोटोशॉप पे काम करना, जिसके जरिए वो बना सकते हैं स्कूल के प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्टिव इमेजेस और बहुत कुछ। ये कोर्स न्यूज चैनल्स में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट एडिटर्स द्वारा सिखाया जाएगा। यही नहीं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ सिखाया जाता है। तो सोचिए मत, इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। राज्य सरकार के साथ लगातार बैठकें करने के बाद कोई हल न निकलता देख बस मालिक संगठनों ने आज राज्यपाल से संपर्क किया। लॉकडाउन के बाद बस मालिक संगठन ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें बस का किराया बढ़ाने, डीजल की कीमत में कमी, बैंक की किश्तों में माफी सहित कई मांगें शामिल थीं। राज्यपाल ने केंद्र सरकार से बस सेवा को चालू रखने में बस मालिकों को होने वाली कठिनाइयों का विवरण देने की अपील भी की थी। बस संगठन तालाबंदी के बाद से राज्य सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, हालांकि कोई हल निकलता न देख अब बस मालिक संगठनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। আমরা রাজ্যপালের মাধ্যমে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় আমরা জানাতে চেয়েছি, আমরা সেই জন্যই রাজ্যপালকে আজকে রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। আমাদের মূলত ডিম্যান্ড যে কোভিড-19 পিরিয়ডের জন্যে ব্যাংকের ইএমআই মকুব করতে হবে এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম মকুব করতে হবে, ডিজেলের ওপরে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কমাতে হবে এবং ডিজেলের ওপরে জিএসটি পাঠাতে হবে এবং সার্টিফিকেট অফ ফিটনেসের সময় বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাজ্যে যে টোল ট্যাক্স আছে সেই টোল ট্যাক্সগুলো অবিলম্বে সেগুলোকে বন্ধ করতে হবে। এই ডিমান্ড, সার্বিক এই ডিমান্ডগুলো আজকে আমরা রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমা দিচ্ছি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে বিষয়গুলো পৌঁছায়। আশা করব রাজ্যপাল, মাননীয় রাজ্যপাল সার্বিক বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবে। আর কী বললেন আপনাদের? না, আমাদের দেখা হয়নি, আমাদের সঙ্গে তো দেখা তো হয়নি, আমরা চিঠিটা জমা দিয়েছি। আমরা ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स, जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, OT टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSSD फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल OT टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच,